दोस्तों, क्या आपको पता है बड़े बड़े नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन टेबल है? क्या नहीं है ना? मुझे भी नहीं है, क्योंकि मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ता है। मुझे पता है बड़े बड़े नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन ट्रिक्स, और उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको भी मल्टीप्लिकेशन टेबल का कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। सो हेलो दोस्तों, मैं हूँ देवनाथ रॉय और स्वागत है आप सबको मैथमेजिक के और एक नए वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा मल्टीप्लाई करने का आसान सा एंड इंटरेस्टिंग सा कुछ ट्रिक्स, जो आपको बना देगा कैलकुलेटर से भी तेज। इस वीडियो को देखने के बाद आप बड़े बड़े मल्टीप्लिकेशन यूं ही कर पाएंगे कुछ ही सेकेंडों में। सो दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और एक लाइक तो बनता है ना, सो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। और आप अगर इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ज़रूर, क्योंकि आपके एक लाइक और सब्सक्राइब बहुत मोटिवेट करता है मुझे इस तरह का वीडियो बनाने के लिए। सो चलिए, लेट्स मूव टू द स्टडी रूम। तो ये लो भैया, आ गए हम स्टडी रूम में और मैं आज आपको मल्टीप्लिकेशन के 5 ट्रिक सिखाऊंगा, वो भी 5 मिनट में। सो 5 मिनट लूंगा और आपको पूरा सिखा के जाऊंगा। सो इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, इसको एंड तक देखिएगा। और चलिए, आज का फर्स्ट ट्रिक, आज का फर्स्ट ट्रिक है 11 से 2 डिजिट नंबर और 11 से 3 डिजिट नंबर कैसे मल्टीपल किया जाता है। तो मैं फर्स्ट एग्जांपल ले लेता हूं, 27 × 11 एंड द आंसर इज 297, 53 × 11 द आंसर इज 583। कोई दूसरा नंबर और एक नंबर ले लेता हूँ, 57 × 11 इक्वल्स टू 627। तो इतना जल्दी जल्दी कैसे हो रहा है मेरे दोस्त? ये ट्रिक क्या है? ट्रिक है 27। सो 27 का 2 एंड 7 दोनों ऐड कीजिए, कितना आ रहा है 9। सो बीच का नंबर 9 एंड दोनों दो साइड में। इधर भी सेम, 53, 5 + 3 = 8, बीच में 8 एंड दो साइड में दो डिजिट 5 और 3, 57। इसमें क्या है देखिए, इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है, 5 और 7 होता है 12। सो 5 और 7, 57 × 11 करने से क्या होगा, 5 पहले लिखिए उसके बाद लास्ट में 7 एंड बीच में आता है 12। इस 12 का 1 कैरी होके इसके साथ ऐड हो जाता है, तो कितना आया ऐड होने से, 1 6 हो गया, इधर 2 इधर 7, तो 627। ओके, और एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, 95 × 11 कितना आ जाएगा, 95 × 11 हो जाएगा 1045। अब दोस्तों 11 के साथ 3 डिजिट नंबर का मल्टीप्लीकेशन देख लेते हैं। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, 325 × 11 आंसर इज 3575। कैसे 325, फर्स्ट टू नंबर्स 3 और 2, फर्स्ट टू डिजिट्स 3 और 2, लास्ट टू डिजिट्स 2 और 5। सो 3 और 2 ऐड कीजिए कितना, 5, 2 और 5 ऐड कीजिए कितना, 7, फर्स्ट डिजिट 3 पहले 3, लास्ट डिजिट 5 5, सो आंसर इज 3575। नेक्स्ट और एक एग्जांपल ले लेते हैं, 527 × 11 आंसर इज 5797। कैसे, लास्ट टू डिजिट्स, पहले तो आपको फर्स्ट डिजिट एंड लास्ट डिजिट लिख लेना है, क्या है 5, फर्स्ट डिजिट एंड लास्ट डिजिट इज 7 एंड बीच में क्या करना है, ये 2 और 7 को ऐड कीजिए, लास्ट टू डिजिट्स को ऐड करने से जो आएगा वो यहाँ पे, और फर्स्ट टू डिजिट्स को ऐड करने से जो आएगा वो यहाँ पे, सो आंसर इज 5797। सो हो रहा है जल्दी दोस्तों। दूसरा एक 3 डिजिट नंबर लेते हैं, ये 3 डिजिट नंबर है 798, 798 × 11 आंसर विल बी 8778। कैसे, लास्ट टू डिजिट एंड फर्स्ट टू डिजिट ऐड कीजिए, लास्ट टू डिजिट, पहले तो हम लोग क्या कर देंगे, पहले लास्ट डिजिट लिख लेते हैं, फर्स्ट डिजिट लिख लेते हैं, बीच में आप क्या करना है, लास्ट टू डिजिट को ऐड करने से कितना आता है 17 एंड फर्स्ट टू डिजिट ऐड करने से कितना आता है 16। सो 17 का कैरी जो है इधर ऐड होगा, सो 8, 17 का कैरी, 17 का 7 यहाँ पर रह जाएगा, कैरी 1 ऐड होने से ये 16 17 हो जाएगा और ये 7 7 रहेगा। सो ये 17 का कैरी फिर यहाँ पे ऐड होगा फर्स्ट डिजिट के साथ, सो 8 7 7 8। सो हो रहा है ना जल्दी दोस्तों। अब हम सीखेंगे दो डिजिट नंबर के साथ दो डिजिट नंबर का मल्टीप्लीकेशन। तो फर्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं, 27 × 23 या आंसर होगा 621। नेक्स्ट और एक लेते हैं, 36 × 34 लेते हैं, कितना आएगा ये 1224 आ जाएगा। अब दोस्तों देखिए, ये जो दो डिजिट का नंबर है ना, ये एक पैटर्न फॉलो कर रहा है, जैसे फर्स्ट वाला 27 और 23 इसका मल्टीप्लिकेशन है। देखिए ये फर्स्ट जो डिजिट है दोनों नंबर का, ये फर्स्ट डिजिट सेम है एंड लास्ट डिजिट जो है ये दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 10। सो 7 + 3 आ जाता है 10 और फर्स्ट डिजिट देखिए दोनों का ही सेम है, ओके और ये दोनों डिजिट को ऐड करेंगे तो आएगा 10। अब इसमें क्या होता है, इसमें जब मल्टीप्लाई किया जाता है तो इसका ट्रिक्स क्या है, ये 2 इधर भी 2 तो कोई सा भी एक नंबर के साथ 1 ऐड कर दीजिए, तो ये दिमाग में कीजिएगा, ठीक है, ये दिमाग में करना पड़ेगा। तो 2 + 1 = 3, सो फर्स्ट टू डिजिट्स का मल्टीप्लीकेशन कितना है 3 × 2, ये 3 हो जाएगा 1 ऐड करने से, 3 × 2 = 6 और लास्ट दोनों डिजिट का जो है उसका भी मल्टीप्लीकेशन, तो 7 × 3 = 21, तो 3 × 2 = 6 और 21। इसमें भी देखिए, ये 3 1 प्लस करने से 4 आ गया, सो 4 × 3 = 12 एंड 6 × 4 = 24, ओके। और एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, 99 × 91, सो थोड़ा इरेज कर लेता हूँ,
सो 99 इंटू 91 क्या हो जाएगा, देखिए 9 ये 10 हो जाएगा, 10 इंटू 9 कितना आता है 90, और लास्ट में देखिए 9 इंटू 1 9, मगर 909 ये आंसर होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि सबसे छोटा नंबर 32 के साथ 32 इंटू करने से एक फोर डिजिट नंबर आता है, ये क्या होता है 1024, ओके। एंड सबसे बड़ा टू डिजिट नंबर 99 एंड 99 का भी इंटू करेंगे तो ये भी फोर डिजिट नंबर आएगा और आएगा 9801, ओके। यहाँ पे देखिए एक 99 है और दूसरा 91 है, सो ये 32 से बड़ा है, ये भी 32 से बड़ा है, मगर एक 99 है और एक 99 से छोटा है, सो ये फोर डिजिट नंबर होगा, ओके। सो फोर डिजिट नंबर 32 इंटू 32 मिनिमम नंबर होता है जो फोर डिजिट स्टार्ट होता है, और 99 इंटू 99 टू डिजिट दोनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन भी फोर डिजिट होता है, सो यहाँ पे 9009, ओके। सो 9 1 9, उसके आगे एक जीरो आ जाएगा, तो ये फोर डिजिट नंबर आएगा। और एक एग्जांपल क्या ले, 88 के साथ इंटू करेंगे, चलिए देखते हैं। अच्छा 92 इंटू 98 कर लेते हैं, इसका आंसर क्या होगा जल्दी बताइए, 9 10 हो जाएगा, तो ये 10 इंटू 9 90, अब 8 2 16, सो 9016, ओके। दोस्तों समझ में आ रहा है कितना स्पीड कितना फास्ट आप ये कैलकुलेशन कर पाओगे, ओके। इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, आप अगर प्रैक्टिस करोगे तो मेरे जैसे आप भी कर पाओगे। अब दोस्तों हम लोग सीखेंगे ट्रिक नंबर 3। ट्रिक नंबर 3 में हम लोग क्या करेंगे, ट्रिक नंबर 3 में हम लोग दो डिजिट नंबर लेंगे दो, जिसका मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे, और ये नंबर्स क्या है, ये नंबर्स 100 के नज़दीक रहेगा मगर 100 से कम रहेगा। तो हम लोग नंबर लेते हैं, एक 92 लेते हैं और एक 98 लेते हैं। अब देखिए ये जो 98 है ये 100 से कितना कम है, 100 से 8 कम है, कम मतलब क्या माइनस, और 98 कितना कम है 100 से, 2 कम है, और कम मतलब माइनस 2। अब इसको क्रॉस वाइज हम लोग माइनस करेंगे। अब देखिए 92 से अगर माइनस 2 किया जाए तो कितना आता है 90 आता है, और 8 ये 8 अगर 98 से माइनस करेंगे तो भी 90 आता है। दोनों साइड से आप अगर ये माइनस करोगे, 98 से 8 माइनस करो या 92 से 2 माइनस करो, दोनों ही सेम आंसर आएगा, वो है 90, और इसको पहले लिखना पड़ेगा। अब क्या करना है, अब ये जो 8 एंड 2 है इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखना है, सो 8 2 16, सो आंसर विल बी 9016, ओके। अब दोस्तों दूसरा एक एग्जांपल ले लेते हैं, दूसरा एग्जांपल क्या ले, 95 ले लेता हूँ इंटू 93 ले लेता हूँ, आंसर कितना आएगा, आएगा 8835, कैसे आएगा देखिए, 95 100 से कितना कम है 5, और 93 कितना कम है 7, सो दोनों का इंटू करके लास्ट में लिख देते हैं, 57 का कितना होता है 35। अब देखिए क्रॉस वाइज माइनस करेंगे कितना आएगा, 93 से 5 माइनस करने से कितना आता है 88, ओके, और 95 से 7 माइनस करेंगे तो भी 88 आएगा, तो आंसर इज 8835, ओके। दूसरा एक एग्जांपल ले लेते हैं, थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, 85 इंटू 89 आंसर कितना आएगा, इधर 15 इधर 11 इक्वल्स टू 7565, कैसे देखिए ये 15 कम है और ये कितना कम है 11 कम है, तो इसको पहले हम लोग इंटू कर लेते हैं, इंटू करने से कितना आता है 165, और यहाँ पे देखिए 89 से 15 और 85 से 11 दोनों को माइनस करेंगे तो सेम आएगा, कितना आएगा 74, मगर ये 5 डिजिट नंबर नहीं होता है, ये 1 है कैरी, 165 का 1 कैरी होके ये 1 कैरी होके 74 के साथ ऐड हो जाएगा, तो कितना आएगा 7565, ये होगा आंसर। सो दोस्तों हो रहा है कैलकुलेटर से तेज। सो दोस्तों अब हम लोग ट्रिक नंबर 4 में 100 से बड़ा नंबर लेके मल्टीप्लाई करना सीखेंगे, और इसमें क्या होगा 100 से बड़ा नंबर लेंगे, तो 104 लेता हूँ और 105 लेता हूँ, इसका मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर कितना आएगा 10920, ओके। कैसे आता है देखिए, 104 100 से कितना बड़ा है 4 बड़ा है, ये 105 कितना बड़ा है 5 बड़ा है, ओके। अब लास्ट ट्रिक में हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने माइनस कर रहे थे, अब ये प्लस हो जाएगा, क्रॉस वाइज आप प्लस करोगे तो क्या आएगा देखो, 104 के साथ 5 प्लस करने से कितना आता है 109, ओके। अब ये दोनों में इंटू करके यहाँ पे लिखना पड़ेगा, 5 4 20, ओके, सो 10920। नेक्स्ट और एक एग्जांपल लेते हैं, और एक एग्जांपल 107, ये नंबर्स जो है देखिए, ये नंबर्स 100 के नज़दीक है, 100 से ज़्यादा बड़ा नहीं है, ओके, और इसका आंसर कितना होगा देखिए, आप लोग कैलकुलेट कीजिए 11342, सो हो रहा है ना कैलकुलेटर से तेज। अब देखिए ये क्या 7 बड़ा है, ये कितना है 6 बड़ा है, अब देखिए क्रॉस वाइज हम लोग क्या करेंगे, प्लस करेंगे, क्रॉस वाइज अगर प्लस करते हैं किसी भी एक को, 107 प्लस 6 कितना आता है 113, ओके, आप दोनों का इंटू कीजिए, 7 इंटू 6 कितना आता है 42, ओके। नेक्स्ट एग्जांपल और एक ठो लेते हैं, 109 के साथ इंटू करेंगे, 103 करते हैं तो कितना आ जाता है, आता है 11227, कैसे आता है देखिए, ये 9 एक्स्ट्रा है, ये यहाँ पे 3 एक्स्ट्रा है,
हंड्रेड से कितना बड़ा है, थ्री, ये हंड्रेड से नाइन बड़ा है, तो लास्ट में हम लोग नाइन थ्री जा करके टू सेवन लिख सकते हैं। और यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे इसके साथ इसको ऐड कर देते हैं, थ्री प्लस नाइन कितना आता है, वन वन टू, सो आंसर इज वन वन टू टू सेवन। ओके, सो हो रहा है ना कैलकुलेटर से तेज, उम्मीद है कि आप लोग प्रैक्टिस करोगे ना तो मेरे से भी जल्दी कर पाओगे। ओके, अब दोस्तों लास्ट ट्रिक, ये है ट्रिक नंबर फाइव, जिसमें क्या करेंगे, जिसमें हम लोग 100 से छोटा एंड 100 से बड़ा नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे। और ये क्या है, ये जिस्ट ऑफ है, सो इसको मिस मत कीजिएगा, ये फाइनल ट्रिक आप लोगों को आज के क्लास के लिए फाइनल ट्रिक। सो एक एग्जांपल लेते हैं, एक ले लेते हैं हम लोग 107 जो है 100 से बड़ा, और एक 96। अब देखिए 107 ये कितना बड़ा है, ये 7 बड़ा है, और ये कितना छोटा है 100 से, ये 4 छोटा है 100 से। अब इधर से इसको प्लस करो और इसको इधर से माइनस करो, बात सेम ही होता है। तो हम लोग अगर इसको माइनस कर देते हैं तो कितना आता है, 103। ओके, और इसको भी 96 को इसके साथ प्लस करो 7 के साथ, तो 103 आएगा। अब देखिए ये जब बड़ा एक छोटा नंबर मल्टीप्लाई होता है, 100 से एक बड़ा 100 से एक छोटा नंबर मल्टीप्लाई होता है, तब हम लोग डायरेक्ट इसको इनटू नहीं करते, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके नहीं लिखते, यहाँ पे क्या दो जीरो लगाना पड़ता है। सो ये लग गया, और इसको इनटू करके हम लोग माइनस कर देंगे इस नंबर के साथ, तो माइनस 7 कितना आता है 28, सो माइनस करेंगे तो कितना आएगा 27, यहाँ पे 201, सो 10272 इज द आंसर। ओके, सो नेक्स्ट और एक तो एग्जांपल ले लेते हैं, 94 के साथ इनटू करते हैं 104 को, आंसर कितना आएगा मैं बोल देता हूँ, 9776। कैसे आता है देखिए, 94 कितना है, 6 कम है माइनस 6, और ये कितना है 4 ज़्यादा है। ओके, सो इसको अगर इसके साथ प्लस करेंगे तो 98, उसके बाद टू जीरोस, और इसको माइनस करेंगे 24, सो कितना आएगा 6, देखिए 7, यहाँ पे 7, यहाँ पे 9। सो आ रहा है ना मज़ा, कितना जल्दी हो रहा है देखिए आप लोग अगर प्रैक्टिस करोगे तो बहुत ही जल्दी कर पाओगे, और ये कैलकुलेटर से भी तेज़ होगा, मान लीजिएगा ये कैलकुलेटर से भी तेज़ होगा। चलिए और एक एग्जांपल ले लेते हैं, और एक एग्जांपल क्या लिया जाए 91 के साथ 109 इनटू करेंगे तो कितना आएगा, देखिए ये 9 कम है, ये कितना है, आंसर मैं बोल देता हूँ पहले, ये 9919 होगा आंसर, और ये देखिए प्लस 9 है। ओके, अब देखिए क्या, ये 9 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 100, और यहाँ पे टू जीरोस, अब 9981, ये माइनस हो जाएगा, 81 माइनस होने से देखिए 9199। ओके दोस्तों, मैंने इस वीडियो में आप लोगों को जो मल्टीप्लिकेशन के 5 ट्रिक्स के बारे में बताया, ये काफ़ी नहीं है मल्टीप्लिकेशन का जो शॉर्ट ट्रिक्स है उसको सीखने के लिए, और भी बहुत बड़ा बड़ा सा नंबर है जिसका मल्टीप्लिकेशन का जो शॉर्ट ट्रिक्स है वो थोड़ा डिफरेंट है, और उसके लिए आप लोगों को और भी सीखना पड़ेगा, और मैं मेरे नेक्स्ट वीडियोज़ में वो आप लोगों को सिखाऊंगा, तो इसलिए मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिएगा, क्योंकि जब भी मैं कोई नया वीडियोज़ मेरे चैनल पर अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, नमस्कार, बाय बाय, खुदा हाफिज़, सबा खैर, वंदे मातरम।